स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एडवर्ब। आज हमने हमारे इस टॉपिक में एडवर्ब के बारे में पढ़ना है कि एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एडवर्ब। तो हम अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। एडवर्ब्स गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब्स। जैसा कि हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा कि एडवर्ब हमें मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, मज़ीद हमें बताते हैं, डिटेल देते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। किसी भी सेंटेंस में जो हमें डिटेल बताई जा रही होती है वर्ब की, उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, एडवर्ब के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें रिमेंबर रखना है, जो कि हमें याद रखना है, वो ये है कि सम एडवर्ब्स एंड इन एल वाई। मोस्टली जितने भी एडवर्ब्स हैं वो एंड होते हैं एल वाई पे। एल वाई पे एंड होते हैं, उसका क्या रीज़न है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, दीज आर मोस्टली डिज़ायर्ड फ्रॉम एडजेक्टिव। क्योंकि मोस्टली जो एडवर्ब्स हैं वो डिज़ायर होते हैं, वो बनते जो हैं, या फिर वो जिससे हम डिज़ायर्ड करते हैं, जिससे ड्राइव करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव से। जब आप अपना डॉकेट खोलेंगे, डॉकेट का यूनिट खोलेंगे एडवर्ब डॉकेट का फर्स्ट पेज, तो उस पर आपके पास ऐसे एडवर्ब का टेबल बना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मोस्टली ये कॉलम बना हुआ है एडजेक्टिव का, ये एडजेक्टिव्स हैं और उनके यहाँ एडवर्ब लिखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इन एडवर्ब्स के लास्ट में एल वाई लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है। तो जब भी हम एडजेक्टिव से एडवर्ब में जाते हैं, एडजेक्टिव को हम चेंज करते हैं एडवर्ब में, तो हम क्या करते हैं, एज इट इज़ वो वर्ड लिख के उसके लास्ट में उसके ऐड कर देते हैं एल वाई, तो वो हमारा बन जाता है एडवर्ब। तो ये टेबल आप अपने डॉकेट में भी लाजमी देखिएगा, वहाँ पे एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं और इसी तरह सेम एक तरफ एडवर्ब लिखे हुए हैं। एडजेक्टिव को जब हम चेंज करेंगे एडवर्ब में, तो लास्ट में हमें ऐड कर देना है एल वाई सिंपली, तो वो हमारा बन जाएगा एडवर्ब। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, या हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमें डॉकेट में सॉल्व करने हैं। तो वो आपके पास इस तरह से आएंगे, जब आप अपना डॉकेट का सेकंड पेज खोलेंगे तो वो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज नज़र आएगी, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, सी, डी एंड ई। अच्छा, डॉकेट में जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, पुट एडवर्ब इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक को केयरफुली रीड करना है और आपको यहाँ नज़र आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अंदर आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो इस एडजेक्टिव को, इस ऑप्शन को आपने लिखना है किस में, एडवर्ब में चेंज करके। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में एल वाई आता है, क्योंकि हम उन्हें एडजेक्टिव से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इन सेंटेंसेस में भी जितनी एक्सरसाइजेज हैं डॉकेट में, सब में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऐसा ऑप्शन नज़र आएगा सब में, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी एक्सरसाइज बी में, सी में ऑप्शन दिए हुए। इन ऑप्शन को आपने एडवर्ब में चेंज करने के लिए सिंपली इसके लास्ट में एल वाई लगा देना है। लेट्स स्टार्ट। हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को। जैसे कि नंबर वन है हमारे पास, मिस्टर असद हैज़ वर्क फॉर हिज कंपनी डैश फेथफुल है। फेथफुल को जब हम इसको चेंज करेंगे एडवर्ब में, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमने लिखना है फेथफुल। फेथफुल लिख के हमने लास्ट में क्या इसके लगा देना है, एल वाई। इसी तरह एक्सरसाइज बी का नंबर वन है हमारे पास, द कार मूव्स डैश। हमने यहाँ देखा, हमें ऑप्शन दिया हुआ है स्मूथ, हमें इसको चेंज करना है एडवर्ब में। एडवर्ब में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हम स्मूथ को एज अ टेस्ट लिखेंगे, बस लास्ट में हमें क्या लगा देना है, एल वाई। तो ये बन गया स्मूथली। नंबर टू है, द टीचर डिलीवर्स द लेक्चर डैश ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है तो हमने इसको बनाना है एडवर्ब, तो इसके लास्ट में भी हम क्या लगा देंगे, एल वाई। तो ये बन जाएगा ऑनेस्टली। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर सी पे। एक्सरसाइज सी को कैसे सॉल्व करना है, एक्सरसाइज सी को भी जैसे हमने ऊपर वाली एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया, ऐसे ही सी डी ई भी सॉल्व होंगी। नंबर वन है हमारे पास, मिसेज हमजा साइन द डॉक्यूमेंट्स डैश नर्वस है, तो हम उसको एडवर्ब बनाएंगे, क्या लगा देंगे, नर्वसली एल वाई लगा देंगे। तो इसी तरह आपने तमाम एक्सरसाइजेस को में
आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस एज अ एडजेक्टिव हैं, उन ऑप्शंस को आपने एडवर्ब बनाने के लिए लास्ट में एलवाई लगाएंगे तो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। सारी की सारी एक्सरसाइजेस को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप सो वेल कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये हमारा लैंग्वेज का। हमें बस इसमें एक से दो बातों को रिमेंबर रखना है, एक से दो बातों का ख्याल रखना है। जब आप उनका ख्याल रखेंगे तो ईजीली आपसे सारी की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व हो जाएंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।